हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी क्या रहेगी, डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, बिग बेयर की क्या पोजीशन बनी हुई है, क्या मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा या फिर मार्केट रिवर्सल लगा, सबकी बात करेंगे हम प्राइस एक्शन डेटा पर भी। उससे पहले थोड़ा सा हमने जो भी यहाँ पर आज लाइव में एनालिसिस की उसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखें कि इनिशियल में सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या था। कल हमने बात किया था कि कल एक और अच्छी खासी डिप आएगी यहाँ पे, यानी मार्केट क्या है नीचे की तरफ टूटेगा, क्योंकि प्रो वहाँ पे क्या किए थे, अभी भी वो पुट की जो बाइंग थी वो पोजीशन कैरी कर रहे थे, यानी वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस थे कि मार्केट नीचे लेके जाएंगे। सपोर्ट आपको 22,183 का, रजिस्टेंस 22,267 का, यानी मार्केट में क्या है सपोर्ट नीचे की तरफ भी था। और कल के डेटा में अगर आप देखें तो बात भी हुआ था यही कि मार्केट नीचे की तरफ पे 100% जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रो जो थे वो पोजीशन कैरी कर रहे थे। और 22,185 का आज यहाँ पे क्या है लो लगाया, जो 22,183 का इनिशियल में ही क्या था यहाँ पे सपोर्ट था। इसके बाद देखें आप तो सपोर्ट सेम ही रहा, सपोर्ट नीचे शिफ्ट नहीं हो रहा था। फिर आप लास्ट में भी देखेंगे तो वही 22,225 का सपोर्ट आ गया, यानी सपोर्ट 22,183 से नेक्स्ट सपोर्ट 22,225 आ गया, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। न्यूट्रल पॉइंट ऊपर हो गया 22,367 का यहाँ पे क्या है हमारा रेजिस्टेंस हो गया, यानी सारा हमारा जो है डेटा ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा था। और इसके बाद प्रो ने क्या किया था यहाँ पे, प्रो फ्यूचर में भी शॉर्ट थे और यहाँ पे जो कॉल की बाइंग की थी उसमें से मैक्सिमम उन्होंने क्लोज किया था। तो ये डेटा में हम देखेंगे कि उन्होंने क्लोज किया है कि नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,440 के ऊपर जो कल है वो निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो कौन से बेस के ऊपर होगा उसको हम देखेंगे अभी। चलिए थोड़ा सा डेटा के यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहा है, कैसे यहाँ पे हमें ट्रेड करना है। अभी आगे देखें फिलहाल जो 9th की यहाँ पे एक्सपायरी है 22,117 का यहाँ पे अभी भी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 22,400 का है, न्यूट्रल पॉइंट 22,277 का है, क्लोजिंग उसी के आसपास दिया है मार्केट। राइटर की अगर बात किया जाए तो 57% राइटर, यानी ओवरऑल यहाँ पे क्या है वो आपको कॉल में बैठा हुआ है, पुट में 43%, यानी राइटर के हिसाब से थोड़ा सा मार्केट बेरिस है, लेकिन बायर भी 54% से यहाँ पे क्या है वो कॉल में बैठा हुआ है। तो 22,300 और 22,200 ये मार्केट की ग्रेविटी थी, और ग्रेविटी में क्या क्या मार्केट ने अपने अपर साइड में जाके क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें और डाली हैं, जो आप देखें तो ये मंथली का न्यूट्रल पॉइंट या कर लीजिए या फिर कर लीजिए मिड पॉइंट 22,461 के पास है, और इसके क्या है 13% नीचे आने के चांसेस हैं। तो 13% अगर लेते हैं तो 22,270 के आसपास निकल के आता है, यानी यहाँ से आप प्लस माइनस 70-80 पॉइंट्स और मान लीजिए प्लस माइनस 80 पॉइंट रख सकते हैं, वहाँ से नीचे जा सकता है, उसके मैक्सिमम नीचे नहीं जाएगा। तो ये एग्जैक्ट नंबर आपको 184 माइनस निकल के आ रहा है, यहाँ से माइनस 184 माइनस करेंगे तो यही 22,270-60 का लेवल आ रहा है, और मार्केट उससे थोड़ा सा नीचे गया, इसके बाद बाउंस बैक कर गया। नेक्स्ट जो आपका जून मंथ का है वो 23% है, यानी 22,400 से 23% नीचे, यानी 400 पॉइंट्स के आसपास जो है डाउन साइड दिखा रहा है, लेकिन अभी हम कंसीडर करेंगे 8th मंथ का। चलिए बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी 47,833 का यहाँ पे क्या है सपोर्ट, रेजिस्टेंस 48,083 यानी 48,100 का है, न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे है मार्केट क्लोजिंग उसी के आसपास दिया है, 70 पॉइंट्स जो है वो थोड़ा सा ऊपर दिया है, 64% स्ट्राइटर यहाँ पे क्या है अभी बैठा हुआ है वो जो कॉल में, और बायर भी 66% कॉल में बैठा हुआ है, यानी बायर भी यहाँ पे क्या है चार आके मार्केट ऊपर जाए, लेकिन राइटर्स का ज़्यादा वेटेज है इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे रहेगा। 48,000-47,800 ये क्या है ग्रेविटी है, और मार्केट ग्रेविटी के अपर साइड में जाके क्लोजिंग दिया है, यानी ये बुलिश के चांसेस हैं थोड़े। और फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी का जो नेक्स्ट एक्सपायरी है 21,451 का सपोर्ट यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल 21,500 के आसपास है, राइटर 68% बैठा हुआ है कॉल में, और बायर भी 62% है, तो फिन निफ्टी यहाँ पे बेरिश इंडिकेशन दे रहा है। ग्रेविटी 21,500-21,450 इसके बीच में क्लोजिंग दिया है, तो मार्केट मैक्सिमम ग्रेविटी के आसपास क्लोजिंग देता है।
अब मिड कैप निफ्टी देखा जाए तो 52% से, नहीं टोटल यहाँ पे 52% जो है वो बैठा हुआ है राइटर कॉल में, 52%। तो ये यहाँ पे अभी न्यूट्रल शो कर रहा है, बायर भी लगभग 55% स्लाइटली बेरिश है। 10,858 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस 10,950 का, क्लोजिंग 10,937, मार्केट वहीं पे ही है। 10,950 का ग्रेविटी है जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया। अब दोस्तों यहाँ पे डेटा की हम बात कर लेते हैं, तो अब तक देखिए डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, यानी यहाँ तक NSE ने अब तक की डेटा नहीं दी है। तो आई होप कि शायद डेटा आ गया है, अभी भी देखिए डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, यानी 8th का जो डेटा है वो यहाँ पे नहीं आया है, अब तक NSE ने अपडेट नहीं किया है। तो डेटा में हो सकता है कि आज कुछ बहुत ज़्यादा फिर बदलाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं वेट करता रहा, 9 बज गया इसी डेटा का, 9 बजे तक, 9 o'clock तक अभी डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़े से देख लेते हैं, जैसे डेटा अपडेट होगा मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब पे भी। तो ओवरऑल अभी यहाँ पे 22,340 यानी 50, ये कल ही यहाँ पे क्या है 22,350 का रजिस्टेंस है। जैसे 22,350 के लेवल को ब्रेक करेगा, इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 22,440 का लेवल जो हमने बात की थी यहाँ पे होगा, और वो लेवल ब्रेक कर करता है तो सीधा 22,520 का लेवल ये दिखाई देगा, नहीं यहाँ से 60 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा निफ्टी। सपोर्ट इसका 22,282 का भी लेवल है, ये यहाँ पे क्या है सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट। तो यहाँ से मैक्सिमम डाउनसाइड 22,230 आएगा, अगर एक्सटेंड होता है तो 50 पॉइंट्स, और उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। इस लेवल पे कल हम काम करेंगे। बैंक निफ्टी अभी अपने बिल्कुल ही सपोर्ट, कहिए इसका सपोर्ट लेवल पे है जो 48,000, यानी आपको 900 का सपोर्ट है। 48,900 के पास से एक अच्छा बाउंस बैक देगा तो ऊपर का टारगेट 48,200 का, फर्स्ट टारगेट यहाँ से, सेकेंड टारगेट 48,360 का टारगेट होगा अपर लेवल पर। ये दोनों लेवल हमारे रहेंगे बैंक निफ्टी के टारगेट के। फिन निफ्टी यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस फेस करेगा 21,500 का, 21,500 ब्रेक करेगा तभी ये 21,600 के लेवल को टच करेगा, तो 500 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट इसका अभी नीचे है 21,400 और 21,360 का, ये दोनों सपोर्ट लेवल हैं हमारे फिन निफ्टी का। दोस्तों मिड कैप निफ्टी देखें तो मिड कैप निफ्टी ने एक अच्छा आज रिटर्न दिया, ठीक ठाक जहां से अपना सपोर्ट था 10,840 के लेवल से ब्रेक किया ऊपर में, और 10,937 का लेवल टच किया। अब यहां से एक इसको सपोर्ट मिलेगा तो नेक्स्ट टारगेट का 11,000 के करीब फिर से हो जाएगा। ये हमारे लेवल हैं दोस्तों। FII आज कैश में अच्छी खासी क्वान्टिटी में सेल किए, दिखाया है तो 6,600 करोड़ का उन्होंने सेल किया, 11,984 करोड़ उन्होंने बाइंग की, और 18,653 करोड़ की सेल की। DI 9,6,000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग भी किया है। तो कैश के डेटा में अगर देखा जाए FII कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। चलिए आपके साथ मैं एक बार और यहाँ पे डेटा रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट ये डेटा है, जब तक ये डेटा आएगा नहीं दोस्तों तब तक ये हमारा एनालिसिस अधूरा रहेगा। तो मैं ज़रूर ये वीडियो आपको पोस्ट कर दूँगा जैसे डेटा आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के आधार बनाया गया, इसके आधार पर कोई भी बाई सेल या होल्ड का ऑप्शन क्रिएट ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लीजिए, उन्हीं के सलाह पर बाई सेल होगी। अगर निफ्टी का शॉर्ट करेंगे यहाँ पर पॉइंट देखा जाए तो शॉर्ट करेंगे पॉइंट 22,500 के ऊपर है, तो एक बार 22,450 के आसपास मार्केट को जरूर टच करना चाहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने कीमती समय देने के लिए, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, उससे पहले मैं जैसे डेटा आता है मैं जरूर वीडियो पोस्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप जरूर वेट कर रहे होंगे मेरे वीडियो के, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।